हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चित्रकूट के इस ब्लॉग में हम लोग हनुमान धारा की ओर जाएंगे। तो हनुमान धारा जाने के लिए सबसे पहले आप केबल कार भी ले सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं जिसका कॉस्ट बहुत कम ही है, और आप चाहें तो सीढ़ियों के द्वारा पैदल भी जा सकते हैं, दोनों रास्ते से जा सकते हैं। यहाँ कुछ मधुमक्खियों ने छाता बना लिया है जिसके वजह से वहाँ स्प्रे किया जा रहा है कि यात्रियों को दिक्कत ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो। यहाँ एक पतली सी धारा पहाड़ से निकलती है और जो हनुमान जी के पूंछ को स्नान कराकर आगे बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि हनुमान जी की पूंछ में जो आग लगा दी गई थी उससे शीतलता प्रदान करने के लिए श्री राम जी ने तीर चलाकर इस जलधारा को उत्पन्न किया था। हम लोग केबल कार में बैठ गए हैं, अब हम लोग हनुमान धारा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से ऊपर का व्यू दिखाती हूँ। केबल कार से ऊपर जाते वक्त ही बीच में लाइट कट जाती है जिसकी वजह से हम लोग बीच में ही फंस जाते हैं। तो जब तक जनरेटर आएगी और लाइट आएगी और हम लोग आगे जाएंगे, तो तब तक हम लोग नीचे देख रहे थे जिसमें जंगल में हमें हाथी देखने को मिला। तो यहाँ देखिए बीच में हाथी है, अब पता नहीं ये पालतू है या जंगली है, पर लाइट कट जाना भी हमारे लिए बहुत लकी साबित हुआ जिसके वजह से हमें देखने को मिला। तो केबल कार से हम लोग तुरंत ऊपर चले जाते और ये सीन मिस कर देते। तो इस तरफ से देखिए आप सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, सीढ़ियों से पैदल आप ऊपर जा सकते हैं। नीचे सड़क से भी आप हनुमान धारा और पूरी पहाड़ी को देख सकते हैं, केबल कार और हनुमान धारा का मंदिर। रबड़ी खाते हुए और चाय पीते हुए आप ऊपर सीता रसोई देख सकते हैं। हनुमान धारा के जो मुख्य मंदिर हैं उनका दर्शन हमने कर लिया, लेकिन वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं था तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। ये सीता रसोई और भी अन्य कई देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। तो ये आप थोड़ा सीढ़ी चढ़कर आएंगे ये सब देख सकते हैं, और ऊपर एक छोटा सा गांव भी है जहाँ से लोग रबड़ी ये सब लाकर देते हैं। ये हनुमान धारा के टॉप से व्यू, एक तरफ से आप केबल कार से आ सकते हैं, एक तरफ पैदल आ सकते हैं, और ऊपर देखिए गाड़ियाँ भी खड़ी हैं तो सीधे आप यहाँ भी अपने कार से आ सकते हैं, लेकिन जैसा बताया जाता है रास्ता थोड़ा खराब है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। बाय बाय।